न्यूज फॉर नेशन की एक पुकार, घर पर रहिए सपरिवार, स्टे होम स्टे से। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ राजमोहन सिंह। देखिए, बिहार के बाहर जो लोग फंसे हुए हैं और लगातार जो मांग उठ रही थी कि बिहार के जो प्रवासी मजदूर हैं जो बाहर फंसे हुए उनको लाने के लिए, तो स्पेशल ट्रेनें जो है वो चलाई जानी शुरू हो चुकी हैं। कल बिहार पहुंची पहली ट्रेन और इसके बाद अब जो ट्रेनें जो है वो लगातार चलाई जा रही हैं। और लिस्ट हम आपको बताते हैं कि आज की तारीख में कहां कहां से ट्रेनें जो है वो बिहार के लिए खुल रही हैं। तो आज की तारीख में बेंगलुरु से जो है दो ट्रेन खुल रही हैं और दानापुर, ये दोनों ट्रेनें जो है वो पहुंचेंगी। एक ट्रेन जो है वो 10 बजे सुबह खुली है और एक ट्रेन 2 बजे खुली है। और ये जो है आपको 5 तारीख को परसों बिहार पहुंचेगी, दानापुर स्टेशन तक ही आएगी। इसके साथ ही कोटा से, राजस्थान से एक ट्रेन जो खुल रही है आज, वो बरौनी के लिए रवाना हो रही है और कल ये बरौनी पहुंचेगी। वहीं कोटा से जो दूसरी ट्रेन खुल रही है वो पहुंचेगी गया। तो कोटा से आज 2 ट्रेनें चल रही हैं, एक बरौनी के लिए और दूसरी जो ट्रेन है वो चल रही है गया के लिए। कोटा में जो छात्रों का मुद्दा था, जो कोटा में बिहार के छात्र जो पढ़ाई करने जाते हैं, सबसे ज़्यादा अगर कोचिंग हब कोई माना जाता है तो उसे कोटा को माना जाता है। बिहार के छात्र वहाँ बड़ी संख्या में फंसे हुए थे, इसलिए लगातार मांग उठ रही थी और उस पर सियासी बयानबाजी भी खूब हो रही थी। और अब जब कोटा से ट्रेनें चलवाई जानी शुरू हो चुकी हैं तो इस पर जो है बीजेपी के जो नेता है बिहार के, वो क्रेडिट भी ले रहे हैं। इसी बीच आज जो लोकसभा के स्पीकर है ओम बिड़ला, उन्होंने सबसे पहले इसकी जानकारी दी। उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि कोटा से बिहार जा रहे विद्यार्थियों की संख्या अधिक होने की जानकारी मिलने पर रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल से बात कर एक और ट्रेन की व्यवस्था करवाई है, जो कि कोटा से बरौनी के लिए दोपहर 3 बजे जो है वो 3 से 4 बजे के बीच जो है रवाना होगी आज कोटा से। तो ये जानकारी ओम बिड़ला ने, जो कि लोकसभा स्पीकर हैं, उन्होंने जानकारी साझा की। इस पर बिहार बीजेपी के नेता हैं गिरिराज सिंह, उन्होंने धन्यवाद ज्ञापित किया है ओम बिड़ला को और लिखा है कि बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय जी। तो बिहार बीजेपी के नेता भी क्रेडिट लेने में लगे हुए थे, लगातार कह रहे थे कि उनकी जब नीतीश सरकार जो है वो इस चीज़ को लेकर कि बाहर जो लोग फंसे हुए हैं, जो छात्र हैं, जो कामगार हैं, उनको लेकर उदासीन थी। जब कोई कदम नहीं उठाए जा रहे थे और लॉकडाउन का हवाला दिया जा रहा था, उस दरमियान भी बीजेपी के नेताओं ने ही अपने आलाकमान से बात की और केंद्र में बातचीत के बाद ही ट्रेनें जो है वो चलाई गई हैं, जबकि ट्रेनों की मांग जो है वो सरकार ने भी उठाई थी। तो ट्रेनें आज चल रही हैं बिहार के लिए, 2 कोटा से ट्रेन खुल रही है और 2 ट्रेन जो है वो बेंगलोर से खुल रही है आज। और ये पहुंचेगी, बेंगलोर वाली जो ट्रेन है वो परसों बिहार पहुँच जाएगी। साथ ही जो 2 ट्रेनें कोटा से खुल रही हैं वो कल, एक पहुँच रही है बरौनी और दूसरी जो है वो गया पहुंचने जा रही है। तो अपडेट तमाम हम आपको देते रहेंगे, कौन सी ट्रेन कब खुल रही है इसकी जानकारी भी आपसे साझा करते रहेंगे। साथ ही अगर आप और ज़्यादा अपडेट पाना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर विज़िट करें, वहां आपको खबरें जो है विस्तार से पढ़ने को मिलेंगी और हर ट्रेन के बारे में जो बिहार के लिए रवाना हो रही है आपको तमाम अपडेट्स मिल जाएगी। newsfornation.com पर आप जाएँ और खबरों को विस्तार से पढ़ें। साथ ही साथ हमारे YouTube चैनल को अगर आपने अब तक लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही अगर इस वीडियो को अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लें। नमस्कार।